दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि गर्ल्स के अंदर अंडरवेट यानी दुबलापन की समस्या क्यों होती है। तो करीब समाज में सोसाइटी में 100 में से 10% गर्ल्स उनका वेट नॉर्मल से भी काफ़ी कम रहता है। जब भी वेट कम होता है तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस घट जाता है, उनके बॉडी में वीकनेस आती है और कितने बार अंडरवेट होने की वजह से उनके इवन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी समस्या हो जाती है। तो आखिर ये अंडरवेट होता क्यों है? अंडरवेट कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होगा किसी को बीमारी हो जिसकी वजह से वेट घटे। तो किसी को अगर डायबिटीज हो जाए जिसके वजह से वेट घटने लगता है, या किसी को थायराइड हार्मोन एक्स्ट्रा हो, हाई हो। तो जब भी बॉडी में T3 T4 थायराइड हार्मोन बढ़ता है जिसके वजह से TSH डाउन आ जाता है, तो अगर किसी TSH लो हो रहा है तो वेट घटेगा। आप सब जान लें कि अधिकांश गर्ल्स को जो थायराइड होता है वो हाइपोथायराइड होता है, यानी जो कि T3 T4 लो होता है और TSH हाई रहता है। तो अगर T3 T4 लो या TSH हाई है तो उसमें वेट बढ़ता है, जबकि T3 T4 बढ़ने और TSH घटने से वेट घटता है। तो सेकेंड होगा हमारा थायराइड हार्मोन एक्सेस। थर्ड होता है कोई और बीमारियाँ जैसे किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, कोई और समस्या जिससे बॉडी का वेट घटने लगता है। फिर सेकेंड कारण होता है डाइट और एक्सरसाइज का इम्बैलेंस। और कोई गर्ल खाएगी कम और खेले कूदेगी ज़्यादा या काम ज़्यादा करेगी तो उसका वेट कम रहेगा या घट जाएगा। या कोई नॉर्मल खाना खाए और काम ज़्यादा करे या ज़्यादा खेले उससे भी वेट कम रहेगा। फिर अगर डाइट में प्रोटीन फैट अगर कम होगा उससे बॉडी के अंदर मसल और फैट कम बनेंगे। तो डाइट में प्रॉपर प्रोटीन और फैट का होना बहुत ज़रूरी है। फिर होता है कि किसी किसी गर्ल के अंदर बॉडी के अंदर बचपन से ही प्रोटीन और फैट बनाने की क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से चाहे कितना भी खा लें उनके अंदर प्रोटीन और फैट कम बनता है, जिसकी वजह से वो अंडरवेट रहते हैं। क्योंकि हाथ पांव भी पतले पतले रहते हैं, क्योंकि बोन भी पतला रहता है। फिर होता है एक बीमारी होती है मेल अब्जॉर्प्शन, यानी खाना पचे ही मत। बच्चा नॉर्मल खा रहा, गर्ल नॉर्मल खा रही, फिर भी खाना पचेगा ही नहीं। तो खाना पचेगा नहीं तो बॉडी के अंदर मसल प्रोटीन फैट बोन प्रॉपर नहीं बन पाएंगे और गर्ल दुबली रहेगी। तो कई बीमारियाँ होती हैं जैसे कि पेनक्रियाज की डिफिशेंसी हो, एक बीमारी होती सीलिएक डिसीज जिसमें ब्लड के अंदर एक हॉम एक एंजाइम होता है TTG बढ़ जाता है। तो जब भी किसी के अंदर TTG बढ़ेगा तो उसका वेट घटेगा। तो इसमें जिसको भी अंडरवेट रहें उनका अपना TTG नाम का हार्मोन जरूर चेक कराना चाहिए। फिर एक रेयर हार्मोन होता है उसे बोलते हैं हम लोग कॉर्टिसोल हार्मोन डिफिशेंसी, बहुत रेयर होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, जब भी कॉर्टिसोल हार्मोन कम हो जाता है तो बॉडी के अंदर प्रोटीन बनना फैट बनना कम हो जाता है और इवन खाना खाते हुए पचना भी कम हो जाता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन के डिफिशेंसी से भी वेट कम रहता है। तो अगर आपकी आप दुबले हैं तो अपने थायराइड हार्मोन चेक कराएं, ब्लड शुगर चेक कराएं, कॉर्टिसोल हार्मोन चेक कराएं, अपना यूरिन चेक कराएं, अपना CBC चेक कराएं, कैल्शियम एसेट्रा चेक कराएं, ये जानने के लिए कि आपका कोई हार्मोन गड़बड़ तो नहीं है, इनडाइजेशन या मेल एब्जॉर्प्शन तो नहीं है। अगर सब रिपोर्ट नॉर्मल आती है इसके मतलब आपकी बीमारी है आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन और फैट बनाने की कैपेसिटी कम है। तो ऐसे में आपको जो है दवा लिखेंगे जिससे आपका खाना खूब पचेगा, फैट बनेगा, प्रोटीन बढ़ेगा और आपका वेट धीरे धीरे बढ़ के 3-4-5 महीने के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। इन दवाओं कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और आपको ये दवा मार्केट से खरीदनी पड़ती है। फिर भी कोई डाउट आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9899180390 और इस तरह अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।